आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खुश रहा बेटी, सदा सुखी रहा। स्वामी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शिवानी सिंह, मोतीलाल सिंह की बेटी। शिवानी बेटी, तू तो दरोगा हो गई बिटिया। हाँ, और मेरी पोस्टिंग भी ना इसी शहर में हुई है। मम्मी पापा ने कहा था कि ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले आपका आशीर्वाद जरूर से लें। तो रही पुलिस के वर्दी में देख करके आत्मा प्रसन्न हो गए हमार। लेकिन तार बाबूजी हमारा कभी न बतौले, हमेशा बात होते रहे उनका से। क्योंकि मैंने उन्हें मना किया था। तू मना के ले रहा का है? ताकि यहाँ आके आपको सरप्राइज दे सकूं। और घर में सब ठीक बा? का हाल बा मम्मी पापा के? तार सब ठीक है। वैसे स्वामी जी, परशुराम किधर है? अब वो भी तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना? बड़ा ना बेटी, ओकरा योद्धा कहे। योद्धा धर्म शास्त्र के साथ साथ अब वो अस्त्र शस्त्र के भी शास्त्री हो गिल बा। अच्छा। और जब वो कसरत व्यायाम करेला ना तो लागेला के साक्षात शिव तांडव कर रहा बाड़े। और जब वो दोनों हाथ से तलवार चला वेला तो लागेला कि माता काली साक्षात रण में उतर गई होगी। जब धनुष और फरसा चलावेला तो लागेला कि रणचंडी असुरन के गर्दन काटरल बाड़ी। जब बंदूक उठावेला तो ओकर एक को निशाना खाली न जा सके। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, आप जिसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं वो है कहाँ?
स्वामी जी ने जितना बताया उससे तो लगता है कि अगर तुम्हें ओलंपिक्स में भेजा जाए तो सारे मेडल्स तुम ही जीतोगे। हमारी विद्या ही कला ओलंपिक के मेडल खातिर ना, आत्मरक्षा खातिर हवे। अब बेटा ये कौन बहस में पड़ गया, परिचय करे एक दूसरे से, मालूम भाई के हुए के बड़ी स्वामी जी? मोहनलाल जी के बिटिया रानी शिवानी बिटिया। ओ शिवानी जोन बचपन में हमरा के परेशान करत रहली, मुंह चिढ़ावत रहली। अब देखा कितना बड़ हो गिल बड़ी, साक्षात पुलिस दरोगा। आ मालूम बा यही शहर में पोस्टिंग बाइन कर। अरे वाह, फिर तो बहुत अच्छी बात बा, रोज रोज स्वामी जी के दर्शन हो जाई। सच कहा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि रोज स्वामी जी के दर्शन होंगे। हरि बोल। दिमाग खराब कह के धाई देले बाट, ई लोग आते कह के धाई देले बाट। देखा धंधा के टाइम हो गई, ई राम खेलौना और गौरी बिटिया के कोनो अता पता नहीं खे। ई दोनों से तो हम परेशान हो गेल बानी, हमके बाजार जाएक बा, व्यापारी का फूल के आर्डर देवे के बा, ई दोनों के कोनो फिकर ही नहीं खे। गौरी बिटिया भी पता नहीं कहाँ बाली, अब है लेना आयली। जी। अरे बिटिया तू आ गई, बड़ा निमन कहलू। अब ऐसा करा, हम तनी बाजारे जाता नहीं, व्यापारी के और फूल के ऑर्डर देवे, तो दुकान संभाला, हम 2 घंटा में आवाता नहीं। जी बाबूजी, लेकिन वो राम खिलावन कहाँ बाड़े? नमस्कार मालिक। हाँ बिटिया, ये काला कौवा कहाँ बोला था? नीचे से। देख राम खिलौना, तोर नमस्कार के चमत्कार ना रोज यहाँ ना चली बेटा। ये बताओ देरी से काहे आईले है? अरे मालिक कहाँ बताई, कैसे बताई, कहाँ से बताई, ये समझला कि जिंदगी और मौत से छुट्टी मांग के आयल बानी रउआ खातिर, वो रउआ की वजह से। अरे हमरे वजह से? हाँ, रउरा दिहल प्रसाद खाके हमारा पेट में जौन गोला बारूद बनल हो, राते से दूध आके चक्कर में कब सवेर हो गई पते ना चलल। ए बेटा, तुम्हारी बीमारी के बहाना हम कुल समझता नहीं। 2 महीना में 30 दिन होला, खाली 20 दिन काम पे आयल बड़ा, 10 दिन नागा मतले बड़ा। साझे के लौट के आवा तानी, जब 10 दिन के पगार काटम ना तो कुल बीमारी अपने आप ठीक हो जाए, बुझलो। ए मालिक, चाहे भूख से मरी हा? या बीमारी से हा? मरते दम तक राहत रौरे साथ। देखलो बिटिया, जब हम एक्शन में आवेली तो ये अपन इमोशन घुसा के पगार कटला से बचा लेवेला। चला अच्छा, तू दोनों दुकान देखा, हम आवता नहीं, डरामा बाज कहीं के गए। देखला संगत के असर, रौरा साथे रह के हमहू एक्टिंग सीख गई नी। चले चले काम करो, चले। डांट के पूरा कॉमेडी खराब कर देलस। गौरी हाँ? अपने मोहब्बत के अदौरी डाले ला तैयार हो जा, तोहार प्रेम पुजारी आवता। आज देखा ए प्रेम के पुजारी के हम अपन प्यार की प्रसादी कैसे देता नी। तू केतनो कोशिश कैला लेकिन ई प्रेम पुजारी तोरे मोहब्बत के प्रसादी तो एकदम न चकी। लागल सर 100 रुपये। ठीक बा, ठीक। राधे राधे राम खेलावन, राधे राधे। पूजा के फूल तैयार बा? हाँ दा। ना देव, हमार मतलब बाकी आज तोहरा के जौन कुछ चाही एनकरा से मांगी। मालकिन आज के सेठ हैं। फूल दो। फूल दी क्या? हार हार का हैला मतलब ई तोहार हमार शादी, तू हमरा गले में डलिया, हम तोरे गले में डाल दे। अरे रम खिलौना, इनका के समझा दे कि इनके यहाँ शहनाई हमरे नाम के ना, केहू औरी के नाम के बाजी। अरे भैया शहनाई का, हम तो इनकरा आगे समझदारी के डीजे बजा बजा के खुदे डमरू हो गई नी जा। अब देखी ना, तू तो समझदार बाड़ा,
ई बेचारी बचपने से रउवा के प्यार के माला जपत दिया। अब तो हूँ यकरा गले में वरमाला डाल के जीवन साथी बना ला। हाँ हाँ चुपचाप फूल माला दे 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 राम राम छछुन्नर न जाने कौने ग्रह नक्षत्र में पैदा भइल दिया। जब देखा तब लासा नियर चिपके लागे ले हट ला तो से कहला रानी है ना गौरी ई ब्रह्मचारी तोरे इस किते बीमारी के शिकार ना होई। तो ठीक कहला हम सर धार गईली हाँ इला अपन पैसा। तू उदास मत हो गौरी तोरे भोले भंडारी के पटावे के और तरीका बा हमरे पास। का तरीका बा? लेकिन ओकरा खातिर ऐसे लक्ष्मी जी के दर्शन करावे के परी। तो के जितना पैसा चाहिए हम देबे ला तैयार बानी। और तो कहब तो हम अपन बाबूजी से बोल के तोहर पगार भी बढ़वा देब। अरे वाह मालिक से बोल के हमार पगार बढ़वा देबा? अरे तो हम एगो का तोहरा खातिर एक दर्जन परशुराम पटवा देब। हम के एगो दर्जन ना हम के ये एक ही परशुराम चाहिए। हाँ तो ठीक बा इन्हीं के पटवा देब। पटवा दो। हाँ। बोले कैसे? तू दुकान देखा? हाँ। हम तुहार सेटिंग लगा के आवा तानी। हाँ। जा जा जल्दी जा जा ना। अरे जा तानी इतना घाई बा। हे अरे भर गई राम खेलावन तू यहाँ यहाँ का करे आइल बड़ा अब तोरा के ज्ञान देवे हमरा के ज्ञान देवे। हाँ। अरे हमरा के ज्ञान देवे खातिर हमार गुरुजी बाड़े ना। अरे तो आर गुरुजी तोके रामायण महाभारत और वेद पुराण के ज्ञान देलन लेकिन जौन ज्ञान हमरे लगे बा ऊ तोहार गुरुजी तोके कभो ना दिए। ऐसन कौन ज्ञान बा भाई जौन तू दे सकेला हमार गुरुजी ना दे सकेले? प्रेम ग्रंथ के ज्ञान भैया प्रेम ग्रंथ के ज्ञान। अरे हम तो कहा तानी ई धोती लूंगा और साधु संतोई छोड़ा और प्यार मोहब्बत के पैंट शर्ट पहन के प्रेम ग्रंथ के ज्ञान लेला जैसे राधा किशन जैसे लैला मजनू ही रांझा आपन नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज करो लेबा वैसे तू आपन नाम दर्ज करवाला। हमके इतिहास के पन्ना में अपन नाम दर्ज करौला के कोनो शौक नहीं है और हम गुरु जी के देहल ज्ञान से खुश बानी। तू जा सकेला तुहार गुरु जी ना जौन ज्ञान देले बाड़न उसे तुहार दिल ना पत्थर हो गेल बा यही खातिर तू केहू के दुख तकलीफ प्यार मोहब्बत के कब्बो न समझ सकेला। ऐसन काहे कहत रहो हम केकरा के दुख तकलीफ देले बानी? आ? गौरी के जानतरा ऊ बेचारी तोहरा पावेला कितना तड़पेली है तीनों रात खाली तोहरे सपना देखा दिया और हमसे तो यो कहला कि परशुराम अगर हमके ना मिली तो हम जहर खा के अपन जान दे दें और भूत बन के उनकर दिन के चैन रात के नींद कुल हराम कर दे। हाँ। हम बुझ गए नहीं। हाँ। तू ऐजा ज्ञान वाहक बन के ना हाँ? गौरी के संदेश वाहक बन के आएगा। यहाँ न तोहरे चालाकी के चाबुक चली न गौरी के प्यार के दाल करी। अब तू यहाँ से चल जा भगवान तोहरा के ओहिंगा ने लंबाई कम दे लवा मारब जमीनिया में धंस जे। चल निकल यहाँ से चल। गौरी तोहार गोबर गणेश आवता अब सुन बोला जैसे तोरा से कहनी है ना वैसे नाटक करिया ठीक बा? ठीक बा से जल्दी से पेड़ पे चढ़ जा। अरे भैया बचाला भैया बचाला भैया अरे का भैया बचाला अरे हमरा के कुछ ना भइल हमरा मलकिन के का भइल तोरा मलकिन के? अरे भैया पेड़ पे चढ़ल रही आम खाए खातिर उतरेला जनते नहीं खे अगर उनकरा कुछ हो गई तो हमार मालिक हमार पगार ना हमार गर्दन काट दी है भैया बचाला भैया बचाला। अरे अरे भैया बचाला हमके पहले उठ पहले झूठ नहीं कहना बोला। अरे भैया माई कसम अगर हम झूठ बोली तो करिया कौवा हम ही के काटे। चल चला भैया दा हमके दे दा हमके दे दा। हाँ आवा भैया आवा 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 अरे भाई रे ऊ देखा ऊपर वाह 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 परशुराम ओ परशुराम बहुत डर लगता परशुराम हम गिर जाए परशुराम प्लीज हमके बचा ली प्लीज परशुराम।
अरे जब उतरे ना आवेला तो चढ़ला के कौन जरूरत रहल हा। ओ कहा ना आम खाए खातिर। आम खाए खातिर बूढ़ पुरनिया बिल्कुल सही कहले बा कि चटना मन दुर्घटना करावेला। परशुराम हमके बहुत डर लागत आ, प्लीज प्लीज परशुराम हमके बचा ली। जल्दी 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 आओ परशुराम, प्लीज बचा ली जल्दी 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 परशुराम प्लीज। आराम से देखा दूर 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 दूर। हे भगवान इका दूर हट, दूर दूर हट बुकिना। दूर दूर हट हट। हमरा पवित्र मन के अपवित्र करे के कोशिश कइले तो ढकेल दे। हम आम ना परशुराम है। चल अब कूदे के तैयार हो जो। चल ना 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 हम ना कूद। अब हमरा के डर लागत परशुराम प्लीज। अरे भगवान छोड़ा की ढकेल दी तोके। दूर हट हट दूर। हाथ ऊपर हाथ ऊपर। नौटंकी जमीन पर आ गई। लू आँख खोलो पेड़ पर नहीं खू। राम 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 राम। हमरा क्या बाबू करे के कोशिश मत कर बेहाया कहीं के। जब देखा तब हमरे पीछे पड़ल रहले। हट ए जा जो जो। राम खिलावन तू तो कहत रहला एकरा से सटप ते एकरे तन बदन में आग लग जाई लेकिन एकरे अंदर से तो तू अभी न उठल। तू चिंता मत कर गौरी, इनकरा में आग भी लागी और धुआं भी उठी। हमार ई फार्मूला फेल हो गेल तो का बा, दूसरा वाला फार्मूला जरूर सक्सेसफुल हुई। सक्सेसफुल ना सक्सेसफुल होला। शिवानी ऐसा काहे खतर बुलाऊं हुआ? परशुराम मुझे तुमसे एक दिल की बात कहनी है। हाँ कहा। लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो? अरे अब अपनी परेशानी के कारण का बताएं तो से। उबिया ना वो गौरी उ दिन रात हमरे आगे पीछे घूमत रहले हाथ गोड़ धो के हमरे पीछे पड़ गिल बिया। ला नाम लहनी और सतान हाजे। परशुराम मैडम जी। क्यों गौरी क्यों परेशान कर रही परशुराम को? ना ना हम इनके परेशान ना, हम तो इनकरा से प्यार करेंगे। इतके छुटके रहनी हम तब से एकरा से बहुत प्यार करेंगे। हम बचपन से इनका की देख देख के हम जवान भइल बानी। और हाँ अगर ये हमरा की ना मिली तो हम अपन जान दे दे। समझाई ना रोवा इंकरा के। अरे तुम इनोटंकी बाज के बात पर ध्यान मत दो। बताओ तू काहे के बोलोलू हमके? हाँ वो पुलिस हेडक्वार्टर से मुझे कॉल आया है। हाँ? एक हफ्ते के लिए मुझे दिल्ली जाना है, यही बताना था। अच्छा चलती हूँ। गौरी परशुराम का ध्यान रखना। अरे गंगा जी फटाफट खाना लगावा, दुकान खोले के लेट होता भाई है। गंगा का भाई जी खाली दुकाने और बिजनेस सुझेला का? राउर बेटी सयान हो गई बिया, ओकर शादी बिया की चिंता नहीं खे। अरे सोचे नहीं बिटिया के बारे में दिन रात सोचे नहीं। देखा ना
कितना भाग्यशाली बा हमार बिटिया, जब से पैदा भइल बिया ई घर बन गईल, दुकान खुल गईल, धंधा रोजगार अच्छे से चलता। अरे लक्ष्मी बा हमार बिटिया, लक्ष्मी बा। व्यापारी ना एगो बाप बन के सोची, राउर बेटी केहू और के घर के लक्ष्मी बिया, ब्याह के योग हो गईल बिया, ओकर शादी ब्याह के बारे में सोची। सोचनी है गंगा, बहुत सोचनी है, बाकी जब बाप बन के सोचनी ना तो मन बहुत दुखी हो जाला। देखा तारू ना एक घर कितना उजियार बा, सब ओकरे वजह से बा। कहे की बिटिया लक्ष्मी ही ना घर के रोशनी भी होली। सोने दिन बिटिया घर से विदा होके चल जाए तो घर में चारों तरफ अंधेरा छा जाए। सोच के बहुत मन घबरा जाला, बहुत घबरा जाला। बेटी के इतना मोह बा तो कोनो ऐसा लड़का देखी जौन घर जमाई बन के एजे रह जाए। अरे गंगा, ए युग में ऐसा लड़का कहाँ मिली। बा हमरा नजर में एगो लड़का। केकर बात करता रू? उस स्वामी जी के शिष्य बाड़े ना, हाँ हाँ। परशुराम उहे लड़का। अरे का बात करता रू? और गौरियो ओकरा के पसंद करे। अरे का बात करता रू गंगा, ई तो सोने पे सुहागा बा। सच में परशुराम बहुत संस्कारी लड़का बा, गुरुकुल में पढ़ल लिखल बा, स्वामी जी से शिक्षा दीक्षा लेले बा। दरअसल परशुराम से निम्न लड़का अपन बेटी गौरी के मिली ना सकेला। हम मौका निकाल के स्वामी जी से मिला तानी और दोनों के शादी के बात करता नी। हाँ। अब खुश बाड़ू ना? हाँ। एक चुमा दे देना। अरे तू ना। परशुराम, का बात बा? अभी ले तू सुतला ना, कौन उधेड़ बुन में बाड़ा? उधेड़ बुन में निखी स्वामी जी, उलझन में बानी। बैठा। बताओ, ऐसन कौन उलझन बा जे हमरा परशुराम के चंचलता छीन ले ले बा? गुरुजी आज अखबार में लिखल रहा था कि देश के कुछ लोग देश के तुरल चाहता। ऐसन काहे गुरुजी? काही देश वो लोगन के ना हा? बिल्कुल है। फिर काहे वो लोगे देश के तुरे के बर्बाद करे के सपना देखा था लो? सपना नहीं के देखत, उनका के दिखावल जाता। कभी जात पात धर्म के नाम पर, तक कभी धन के लालच देके उनका के भटकावल जाता। लेकिन काहे गुरुजी, काओ लोग उनके धर्म ग्रंथ में देशभक्ति और देश के प्रति अपन कर्तव्य नहीं लिखल? बेटा, दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में आपसी भाईचारा, प्रेम और शांति के बात ही लिखल रहेला, तथा अपन देश के प्रति सेवा और वफादारी के ही शिक्षा दिल जाला। जनता का भगवान श्री राम अपना भाई लक्ष्मण के कहले कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि, अर्थात जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होला। और हर इंसान के अपना देश के प्रति कर्तव्य का होला मालूम बा? ना स्वामी जी। एक बार जापान में एक शिक्षक अपना विद्यार्थी से एक सवाल केले कि मान लो कि अगर भगवान बुद्ध ने इस देश पर आक्रमण कर दिया तो क्या करोगे तुम? सब विद्यार्थी चुप। कहे कि वो देश के भगवान भगवान बुद्ध रहले। पर एक विद्यार्थी हिम्मत करके अपन सीना चौड़ा करके खड़ा भइल और बोलस कि अगर भगवान बुद्ध ने ऐसा किया तो सबसे पहले भगवान बुद्ध की सारी प्रतिमाओं को पिघलाकर उससे गोली बनाऊंगा और वो गोली सबसे पहले भगवान बुद्ध के सीने में उतारूंगा। का? वो अपना भगवान के बारे में ऐसन बात कालस? हाँ बेटा, देश प्रेम और भक्ति माता पिता के तथा परमात्मा के प्रेम और भक्ति से भी उच्चतम होला, महान होला। माता पिता के कर्ज तक चुकावल जा सकेला, लेकिन अपन देश के माटी के कर्ज कभी कोई जीवन भर न चुका पाए। बुझला? जी स्वामी जी। अब तो सोच जा,
जी जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जावेद मीर नाम है मेरा और जावेद मीर के सामने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा था। उसे नहीं पता कि मैं जिंदाबाद हिंदुस्तान को मुर्दाबाद हिंदुस्तान बनाना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। पहचान गए? कैसी बात कर रहे हैं जनाब, आप तो हमारे माई बाप हैं। आप ही की वजह से तो हम विपक्ष के नेता बने हैं और आप ही की वजह से इस बार हमारी सरकार बनने वाली है। और ऐसे कैसे नहीं पहचानूंगा आपको, बोलिए क्या हुक्म है? मेरे तमाम लड़ाके हिंदुस्तान में तबाही मचाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरा काम कहां तक पहुंचा? आखिरी मोड़ पे है जनाब, बस फाइनल डिसीजन लेना बाकी है। अभी भी बाकी है चौधरी? पैसे दिए पूरे एक महीने से ज्यादा हो गए और तुम कहते हो कि अभी भी डिसीजन बाकी है। एक बात कान खोल के सुन ले चौधरी, पूरे 50 करोड़ रुपए दिए हैं तुम्हें और मुझे पूरे हिंदुस्तान में 50,000 लाशें देखनी है। खून की नदियां बहनी चाहिए, खून की नदियां, सुना तुमने? थोड़ा सब्र कीजिए जनाब, लाशें भी गिरेंगी, खून की नदियां भी बहेंगी, सब प्लान कर लिया है हमने। 25 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह है, उस दिन मौलाना मकसूद अख्तर, फादर माइकल डिसूजा और डीएसपी बलबीर सिंह सब आ रहे हैं। हमारे शादी की सालगिरह का केक भी कटेगा और हजारों लोगों की गर्दन भी, सब प्लान कर लिया हमने। इन्हें तो शायद हिंदुस्तान की पब्लिक की तरह मुझे भी बेवकूफ समझता है। शायद उसे ये पता नहीं
मैं अपने पैरों तले आईना रख के आसमान का गुरूर भी कुचल देता हूं। स्वामी जी, आपके आज्ञा होके तो एगो सवाल पूछल चाहता नहीं। का पूछे? स्वामी जी, का इंसान के उत्पत्ति सिर्फ एकरा खातिर भइल बा कि वो अपन नाम बना सके, धन दौलत कमा सके और परिवार पैदा कर सके? ना बेटा, इस सब तो इंसान के अपन निजी सोच है। कहे कि मरला के बाद सब कुछ ऐजे रह जाला, साथ अगर कुछ जाला तब इंसान के अपन धर्म कर्म अपन पाप पुण्य बस। फिर इंसान ये धन दौलत कमाए खातिर, अपन नाम बढ़ावे खातिर ये लूट मार जैसन पाप काहे करेला? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण? हाँ बेटा, कहे कि इंसान के स्वयं नहीं के मालूम कि वो का हुए और काहे खातिर ही धरती पे आयल बाड़े। काहे खातिर आयल बा स्वामी जी? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इंसान परमात्मा के ही अंश है और परमात्मा आत्मा स्वरूप हर मानव शरीर में विराजमान रहले। इंसान अपन ज्ञान भक्ति और प्रेम के मार्ग से हर पल ईश्वर के पावे के कोशिश करे खातिर ये धरती पर आयल बा। ज्ञान भक्ति और प्रेम अपना आपके जान ले हल, ज्ञान है परमात्मा के पाले हल, भक्ति है और परमात्मा से हर पल जुड़ल रहल प्रेम है। परमात्मा तक पहुंचे के दो मार्ग है, एक तो संन्यासाश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम। इन दोनों में उत्तम आश्रम कौन है? गृहस्थाश्रम। कहे कि संन्यास आश्रम में तो हर मोह माया त्याग के परमात्मा के पावे के कोशिश कर जाला, लेकिन गृहस्थाश्रम में हर मोह माया के बीच में रह करके परमात्मा के पावे के कोशिश करे के पड़ेला, जौना में इंसान के अपन ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया के उपयोग करे के पड़ेला। स्वामी जी, हमरा के कौन मार्ग चुने के चाहिए? बेटा, परमात्मा तो स्वयं तुहार जीवन एक खुली किताब के जैसन लिख देले बाड़न। बचपन से ही परिवार से दूर करके जाति पाति के भेदभाव से तहरा दूर कर देलन, एक आश्रम में तहरा पालन पोषण करा के ये संन्यास के चोला पहना देलन। तहार जीवन तो ज्ञान के प्रचार और धर्म के रक्षा खातिर ही बनल बा। गृहस्थ आश्रम में तो अपना परिवार के परवरिश आदमी कर सकेला, लेकिन संन्यास आश्रम में एक सच्चा सन्यासी पूरे समाज के कल्याण कर सकेले। रउआ सही कहा था नी स्वामी जी, हम ज्ञान मार्ग से ही समाज और देश की रक्षा करब। कुछ कहा खाना बढ़िया बा, लेकिन तू जाना तारू। अच्छा, काल हमें घर आवे में बहुत टाइम हो जाए, पता नहीं हम कल दुकान पे जा पाए कि ना जा पाए, एही खातिर कल दुकान बंद रखब। उकाहे? अरे तोहके ना मालूम, कल बलवंत चौधरी के घरे सालगिरह के सजावट करे जाए के बा। तू तो जनते बाड़ू कितना टाइम लगा लाई सब सजावट उजावट कैले में। हम राम खिलौनों के लेके जाए, काहे से कि वहाँ बहुत काम होगी, हम अकेले कब तक करब? अब लेके जाए साथ ही में। अच्छा जी, वो सब तो ठीक बा, बाकी स्वामी जी से बात भइल के ना? अरे भाई, देखा काम धंधा के चक्कर में भूला गए एकदम। हम जानत रहे ये होई,
रउआ एकदम भुलक्कड़ बानी। अरे पागल, तू टेंशन मत ला, मुआ से काम करा के हम जाब स्वामी जी से मिलब और हम उन दोनों के रिश्ता के पक्का कह के आई। देखा तू, देखिया अचानक बिना बताए हुए? तुम्हें अच्छी तरह पता है चौधरी कि हम हर काम अचानक ही किया करते हैं बिना बताए। तुम्हारे संसद पे हमला हमने अचानक ही करवाया था। उड़ी में जो लाशों का अंबार बिछवाया था वो भी अचानक ही किया था। पुलवामा पे जो अटैक किया था वो भी अचानक ही किया था। आप ठीक कह रहे हैं जनाब। मैं मौलाना मकसूद अख्तर और ये हैं पादरी माइकल डिसूजा और ये हैं डीएसपी बलवीर सिंह। जनाब, अफजल गुरु की शहादत अभी हमारे सीने में सुलग रही है। बंटवारे के नासूर अभी हम लोगों के कलेजे में चुभ रहे हैं। बाबरी मस्जिद का तेजाब लावा बन चुका है। ऊपर से कश्मीर का मसला हम लोगों के दिलो दिमाग में बारूद बन चुका है। चुन चुन कर इस मुल्क से एक एक का बदला लेंगे जनाब, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक का बदला लेंगे। जी जनाब, हम लोगों ने सारा प्लान बना लिया है। मौलाना साहब के शांति संदेश का जुलूस कश्मीर से निकलेगी यहां के लिए। उस जुलूस में आपके लोग शांति दूत बन के शामिल हो जाएंगे और यहां इस शहर में क्रांति मचा देंगे। उनको अपने निगरानी में ये डीएसपी बलबीर सिंह फादर माइकल डिसूजा के चर्च तक पहुंचाएंगे। चर्च तक क्यों? वही सबसे सेफ जगह है जनाब। बाकी यहाँ के मस्जिद और मदरसे शक के दायरे में और पुलिस के रडार पे भी। इन काफिरों की नजर हमारे पाक मस्जिद और मदरसों पर भी है। जी जनाब, आपके आदमी चर्च में महफूज रहेंगे और अपने वारदात को अंजाम देंगे। गुड चौधरी, हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। लाखों लोग मरेंगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी होंगी, खून की नदियां बहेंगी, नदियां। तभी तो सरकार गिरेगी जनाब और हमारी बनेगी सरकार। मैं बनूंगा मंत्री और मैं डीएसपी से एसपी, और तब हमारे कलेजे की आग ठंडी होगी और इस देश से हमारी पुरानी दुश्मनी का हिसाब भी पूरा हो जाएगा। वाह,
तुम लोग जैसे गद्दार अगर इस देश में हैं, तो इसे मिटाने के लिए बम बारूद और मिसाइल की क्या जरूरत है? चूहे मारने वाली दवा से भी मारा जा सकता है, मजा आएगा। खेल बहुत अच्छा होगा। ए, क्या करता रे? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। राम किलावर, अरे चल भाग, अरे चल भाग, रास्ते में बतावा था नहीं। अरे कुछ बताइबा। अरे मालिक, कहे इतना घबराइल बाड़ा, का भइल? अरे राम खिलावन, मत पूछ। हाँ? मत पूछ। हाँ? अपन देश में ही देश के गद्दार छुपल बाड़े रे। अच्छा? मौलवी, पादरी। हाँ? और डीएसपी। हाँ? पाकिस्तान से कोनो एगो आतंकवादी आइल बा, ओकरा साथे मिलके ई सब सीरियल ब्लास्ट करावे वाला बाड़े। सारा प्लान इलोन के ई मोबाइल में ना रिकॉर्ड कर लेले बानी। चला जल्दी से कमिश्नर ऑफिस ई मोबाइल वाला वीडियो उनकरा के दिखावे के बा। चला चला जल्दी चला। रुकिया ना कहीं रास्ते। सबूत खत्म, दुश्मन खत्म, डर खत्म, गम खत्म। अब अपना मिशन जारी रहेगा, उसी तरह से चलता रहेगा और धमाका उसी तारीख पे होगा। ए मालिक, चाहे भूख से मरी या बीमारी से, मरते दम तक राहब तो रौरे साथी। हाँ भाई, जिंदगी की का भरोसा बा, काले हासत करत हमसे मिले रहेला और आज बाइक एक्सीडेंट में इनकर मौत हो गई। हाँ भाई ठीक है कह तारा, जिंदगी को कोनो भरोसा नहीं खे कि कब केकर कहाँ मौत हो जाए, केहू के नहीं खे पता। परशुराम जी, बेटा ये लोगन के अंतिम संस्कार की तैयारी कर। जी स्वामी जी।
एकर मतलब हमार बाबूजी के एक्सीडेंट ना भइल, हत्या भइल बा, हत्या। हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। ये भगवान, एक साथ इतना लोगन के हत्या के प्लान, इतना बड़का खून खराबा। जी स्वामी जी, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गए ना सब, तो लाखों बेगुनाह लोगों के जान चल जाई, देश में कोहराम मच जाई। परशुराम बेटा तो ठीक कहता, कुछ भी करके खून खराबा के रोकल जरूरी बा। आज्ञा दी स्वामी जी, का करेगा बा? तू एक काम कर, ये वीडियो लेकर के पुलिस के पास जा, पुलिस वाला ही कुछ करी है। लेकिन स्वामी जी, एमे तो खुद पुलिस वाला भी मिलल बा, तो कब पुलिस हमार मदद करी? जरूर करी, काहे न करियो, सब पुलिस वाला एक समान ना हो अकेले। परशुराम जी, ये वीडियो ले जा करके शिवानी बिटिया के देता। लेकिन शिवानी तो स्पेशल ड्यूटी में दिल्ली गई बड़ी। आ गई भी है परशुराम, रात फोन आए ले हम। सच बता दे वरना जान से जाए बे तू। क्या हुआ, जुबान खोला या नहीं? गल से मार रहा मैडम, लेकिन इसने जुबान अभी तक नहीं खोला है। तो इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत है, हमेशा के लिए जुबान बंद कर देते हैं? क्या मतलब, समझा नहीं मैडम। इसकी रिपोर्ट तो नहीं लिखी है ना? नहीं मैडम। ये वही है ना जो असला और ड्रग्स के साथ मिला था? जी मैडम। तो ठीक है, एक गोली मारते हैं और ड्रग्स के साथ एनकाउंटर का नाम दे देते हैं। ना ना मैडम, गोली मत मारी मैडम, हम रुआ के सब सही बता दें मैडम। आश्रम से कुछ लोग आए, स्वामी जी ने भेजा है। आश्रम से? जी मैडम। बयान लो इसका, और झूठ बोले ना तो मुझे बताना। ठीक है मैडम। यह तू काम पहले कौ देले रहते ना, ता तू इतना ना पिटाते। हाँ परशुराम, बताओ क्या बात है? स्वामी जी भेज ले बड़े, रिपोर्ट लिखवावे के बा। रिपोर्ट किसके खिलाफ? देशद्रोहियन के खिलाफ, जे लाखों लोगों के मौत के घाट उतारे के प्लान बनौले बना से। क्या बात कर रहे हो परशुराम, देशद्रोही प्लान, कौन है ये लोग? खुद ही देख लो। हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। लाखों लोग मरेंगे, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी होंगी, खून की नदियां बहेंगी, नदियां। देख ले लू, एमे एगो पुलिस वाला भी शामिल बा। दरअसल गौरी के पिताजी मरला से पहले ही वीडियो गौरी के भेज देले रहले। हमके तो लगा था कि गौरी के पिताजी का एक्सीडेंट ना, बल्कि ये वीडियो के चक्कर में हत्या भेल रहे। तुम ठीक कह रहे हो परशुराम, इस मिशन को कैसे भी करके रोकना ही होगा, सारे गुनहगारों का पर्दाफाश करना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं तुरंत एक्शन लेती हूँ, तुम ये वीडियो मुझे दो, मैं जल्दी कार्रवाई करती हूँ। तू कार्रवाई शुरू करो, रिपोर्ट लिखा, जरूरत पड़ी तो ये वीडियो लेके हम कोर्ट में आए। कोर्ट? क्यों परशुराम, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? ऐसा बात नहीं है शिवानी, दरअसल स्वामी जी के यह आदेश बा। ठीक है। हेलो। जय हिंद सर। जय हिंद शिवानी, बोलो सर।
ये आप क्या कर रहे हैं? आतंकवादियों के साथ मिलकर लाखों लोगों का खून बहाना चाह रहे हैं? What nonsense? How dare you? तुम जानती हो कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो? इल्जाम नहीं सर, सबूत है। पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें आप सभी का पूरा काला चिट्ठा दर्ज है। यकीन नहीं हो रहा है सर, आप उन लोगों से मिले हुए हैं? इस मुल्क को मिटाकर आप एसपी बनने का ख्वाब सजा रहे हैं? You shut up! कैसा वीडियो? कैसे लोग? कहाँ देखा तुमने? राधेश्याम की बेटी गौरी लेकर आई थी, स्वामी जी ने आश्रम से परशुराम के साथ भेजा था। अरे मूर्ख, हो सकता है ये वीडियो कोई एडिटेड भी हो। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की किसी की साजिश हो सकती है, और हो सकता है कोई मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरे ऐसे गलत शलत वीडियो बना के फैला रहा हो। सुनो शिवानी, तुम एक काम करो, गौरी और परशुराम को समझाओ कि ये वीडियो किसी को न दिखाए। पहले मैं इस वीडियो की सच्चाई जानना चाहता हूँ, और अगर तुम्हारी बात में जरा सी भी सच्चाई हुई तो मैं अपराधियों पे तुम्हारे साथ में कार्रवाई करूंगा। ओके सर, मैं बात करती हूँ। स्वामी जी, शिवानी के वीडियो भी दिखा देनी और रिपोर्ट भी लिखवा देनी। ये अच्छा खेले बेटा तू। हेलो, मैं शिवानी बोल रही हूँ, परशुराम से बात करवाइए, बहुत अर्जेंट है। हाँ एक मिनट शिवानी, परशुराम शिवानी के फोन है, तोरे से बात कर चाहती है। हाँ शिवानी, एक बार हम आवत हैं। कावत है परशुराम? स्वामी जी, शिवानी हमसे तत्काल मिलल चाहत अड़ी। जाई जा। शिवानी का भाई, वापस कहा बोलो लो हमके? तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है शिवानी? तुम्हारे जाने के बाद मेरी डीएसपी से बात हुई, और उसकी बातों से मुझे शक की बू आ रही है कि कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। कुछ ना शिवानी, पूरा पतीला काला बा। तुम जल्दी से जल्दी कुछ कर, ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए। हाँ परशुराम, इसीलिए तुम्हें बुलाया है, क्योंकि मैं इस मामले को आगे बढ़ाने जा रही हूँ, और जब तक मैं ना कहूँ, तुम इस वीडियो को ना तो किसी को दिखाना, ना ही किसी को बताना। इस वीडियो में जो भी लोग हैं ना, वो बहुत खतरनाक और पहुंचे हुए लोग हैं। बहुत सोच समझ के हमें कदम उठाना होगा। एकरा खातिर हमरा के एजा बुलावले के का जरूरत रहला? ई बात त हमके फोन पर भी बता सकत रहलुआ। परशुराम, अगर इस वीडियो में डीएसपी ही है ना, तो जरूर मेरा फोन टेप हो रहा होगा, इसलिए बुलाना पड़ा। ठीक बा शिवानी, हम जाते हैं, जब भी हमारी जरूरत पड़े हमरा के बुला लिया।
परशुराम, परशुराम, गुरुजी, 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 कुल कैसे हो गए गुरुजी? क्या कहला सिकोल? परशुराम वीडियो के वजह से बहुत बिटिया और माही उठा के ले गए मोबाइल लेके पुलिस में कंप्लेन लिखाने गई थी ना, यही मोबाइल है ना? क्या तरीका है तू लोगों के लड़की से इसे बात कर जाला? अरे बाबा बैठ चल। स्वामी जी, हमरा स्वामी जी के धक्का दे ले हा। माफी मांगला ना तो दंड मिली। अच्छा माफी मांगू नहीं तो दंड मिलेगा। सुना, फोन डाला सालों को, किसी को छोड़ना मत। पाखंडी, ए ले जा इसको स्माइल, ले जा। ए पाखंडी। स्वामी जी, अरे मकसूद भाई इधर आइए, ये मोबाइल लीजिए और ये दोनों है ना, इन दोनों को अड्डे पे ले जाओ, मैं नेताजी को भेजता हूँ। और हाँ, जाने के पहले यहाँ एक भी सबूत नहीं बचना चाहिए, पूरे में आग लगा देना। कोई नहीं बचेगा। ठीक है, जाओ। एक एक करके सब जला देना, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई बच के नहीं जाना चाहिए। सब खत्म हो गए, लगा बोलू बगिया के उजाड़ के रख दिल सब, कुल समय एक एक फूल के कुशल ले, इतना सपना रहे कि हम अपना उत्तराधिकारी तो के बनाए। गुरुजी सब सपना
हमरा कोनो उत्तराधिकारी नहीं के बने के गुरुजी, हमरा के बस आपके आशीर्वाद चाहिए। देख, वादा कर हमरा से। हाँ गुरुजी। कोनो भी हालत में ना, कोई बिटिया के उराग से सबसे बचाइए। हाँ बचाइए। हमारी देश के उन्हों के हाथ में जाओ दिए बेटा। गुरुजी, गुरुजी, हमरा के अनाथ बना के मत जा गुरुजी। बेटा, बेटा, हमरा, हमरा चीता के भूखा की तू ही दिया। गुरुजी, 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 मोबाइल का पासवर्ड चुपचाप बता दे, ना तो तोर और तोरे महतारी का उहाल करो कि शर्म भी शर्म से शर्मिंदा हो जाए। चल बता। ना, ना बेटा ना। कभू मत बताइए, भले कहे ना ये लोग हमनी की जान ले ले। ए बुढ़िया चुप कर, वरना गर्दन अलग कर दूंगा। मारदा काटदा, जब तू लोग हमार सुहाग गुजार देला तो हम चिक्के का करब। बेटी हमार जान से ज्यादा लाखों करोड़ों लोग के जान बा, जौने के मारे खातिर ये लोग प्लान के लिए बड़े। अगर ये लोग अपने मिशन में कामयाब हो गए ले ना, तो तहर बाबूजी के कुर्बानी व्यर्थ जाए, और तेरे बाबूजी के आत्मा के शांति कबो न मिली। अरे भैया, तेरे पति की आत्मा को शांति मिले न मिले, लेकिन तेरी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। देख ले ना, तोर महतारी तोर बाबूजी के पास पहुंच गई। अगर ते अपन इज्जत और जान बचावल चाहता ले तो पासवर्ड बता दे, न तो हमार पालतू कुत्ता तो के बूटी बूटी नोच के खा जा। बलवंत चौधरी, हम अपन देश और देशवासियों के बचावे खातिर जिसम तक अपन जान तक कुर्बान करे खातिर तैयार बानी। अरे चौधरी साहब, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी, क्योंकि इसके ऊपर देशभक्ति का भूत सवार है। पहले इसका भूत उतारना पड़ेगा, उसके बाद ये लड़की खुद ब खुद पासवर्ड बताएगी। सही कहता मौलाना साहब, लात के भूत बात से ना मानिए साहब। तोरू हाल करा, तोर ऐसा चीर हरण करा, तोर एक एक चीख से पासवर्ड का अंक सुनाई दे। ए, देखत का बाला से नोच ठाला से करा के। Oh,
शिष्य है धर्म वचन की शान, तुम सबका ये काल है, नाम है परशुराम। यही तरह भरल सभा में द्रौपदी के चीर हरण करे के कोशिश कई गई रहे, नतीजा सर्वनाश। आज फिर एक औरत के इज्जत पे हाथ डाले के तोनी के पाप कईले वाला से हमरे पिता समान गुरु और भाई समान शिष्यन के मारे के महापाप कईले वाला से और हमरे आश्रम के जलावे के तोनी के गुनाह कैले बड़ा सा तोनी के कर सजा मिली और सजा होई सजाए मौत। ई पुजारी मौत के द्वारी पे आके अपने काल के धमकी देता, एक राकी अमराज के तरी दर्शन तक कराओ लोगन। आ
रुचिता की राख भी ठंडी हो गई है परशुराम। अब तो बता दो, गौरी भी नहीं बता रही है। ये सब किसने किया, कैसे हुआ? का करबू जान के? इंसाफ, जो भी गुनहगार हैं उन्हें कानून के हवाले करूंगी, फांसी की सजा दिलवाऊंगी। उन्हें के सजा तय हो चुकल बटे, सजा कानून ना, गुरुकुल के को शिष्य दे। तो क्या तुम कानून अपने हाथ में लोगे परशुराम? पता ना, हमरा के सिर्फ याद बटे गुरुजी के दिहल वचन, उनसे कैल वादा। अर्जुन के तरह इस समय सिर्फ हमरा के मछली के आंख लोगो तटे और हत्यारन के चेहरा, जौन हमरे पिता समान गुरुजी और भाई समान शिष्यन के मरले वाला सा। और अब हमरे देश के बर्बाद करके सपना देखा था ना सन। उसका इंसाफ कानून करेगा परशुराम, मैं हूं ना। ना शिवानी, तू बीच में से हट जा, ये जंग अब कानून के ना, धर्म और वचन के है। और अपन वचन पूरा करे खातिर हम अपन सर कटा भी सके नहीं और सर काट भी सके नहीं। Shut up nonsense! तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जानती हूँ तभी कह रही हूँ सर। वीडियो देखने के बाद पहला कॉल आपको किया था, आपको बताया था मैंने। क्या हुआ? 16 शिष्यों के साथ स्वामी जी की हत्या हुई है, पूरा आश्रम जलाकर खाक किया गया है। मुझे पता है, इसलिए मैंने इसकी इंक्वायरी भी शुरू कर दी। और तुम इस केस से दूर रहो, क्योंकि मुझे तुम पर भी शक है कि तुमने गुनहगारों को खबर किया है और मेरा वीडियो एडिट करवाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। वाह सर वाह, अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया है कि उस वीडियो में कोई और नहीं, आप थे। तो पता लगाओ, साबित करो। लेकिन अब इस केस का पावर तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। इंक्वायरी मैं करूंगा और तुम तमाशा देखोगे। दुश्मन का खात्मा मैं करूंगा और तुम सिर्फ हाथ मलती रह जाओगी। हाथ नहीं सर, राख कहिए राख, देशद्रोहियों की चिताओं की राख, और उसे अपने माथे पे लगाऊंगी मैं, क्योंकि परशुराम अब हनुमान बन चुका है और वो अकेले ही निकल चुका है रावणों की लंका जलाने। वो आपकी भी लंका और चिता साथ जलाएगा और उस राख को मैं अपने माथे पे लगाऊंगी। You shut up! एक मिनट में तुमको सस्पेंड करके रख दूंगा, तुम्हारी वर्दी उतार के रख दूंगा। ऐसी वर्दी पहनने का क्या फायदा सर, जिसे आप जैसे सीनियर और जिम्मेदार लोग दागदार करने पे तुले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? जी जनाब। जनाब एक सवाल है मेरा, ये वतन परस्ती क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वतन परस्ती का मतलब होता है देश से वफादारी, देश के लिए जान कुर्बान करना, देश की मिट्टी पे अपना सजदा करना, देश के साथ वफादारी निभाना। हम सबका यही फर्ज है। जिस मिट्टी में हम लोग सजदा करते हैं और हम यहाँ रहते हैं और यहीं का खाते हैं, और ये जो देश है ना, इस देश का हमारे ऊपर भी उतना ही बड़ा कर्ज है जितना अपनी माँ के दूध का कर्ज होता है। तो हमें अपने इस देश में अपने माँ के दूध के कर्ज के हिसाब से वतन के साथ वफादारी करना है और वतन के साथ वतन परस्ती करना है। और याद रखना, तभी हमें जन्नत नसीब होगी। जी जी जनाब। नारा तकबीर अल्लाहू अकबर। नारा तकबीर
अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। जनाब अल्लाह हू अकबर। जनाब, इतनी पाक सोच रखने वाली शख्सियत के मैं एक बार हाथ चूमना चाहता हूं। आइए। खबरदार, हथियार नीचे कर दो वरना तुम्हारे मौलाना साहब की खोपड़ी खोल दूंगा। कौन हो तुम? परशुराम, कब्रिस्तान बनाना है, भारत के टुकड़े टुकड़े करने हैं। हमारा मिशन है भारत की बर्बादी, तबाही। दुनिया के नक्शे से भारत का हमेशा हमेशा के लिए नामो निशान मिटा देना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देख लिया आप लोगों ने इसकी हकीकत। दरअसल इसके जैसे कुछ मौलानाओं की वजह से हिंदुस्तान का हर मुसलमान बदनाम होता है। अरे ये पाकिस्तान के हाथों बिका हुआ एक फड़ुआ है जो आप जैसे नौजवानों को जिहाद के नाम पर बरगलाकर उनकी बलि चढ़ाता है। आप लोगों को मिलती है सजाए मौत और इस जैसे मौलानाओं को मिलती है करोड़ों की दौलत। माँ बाप ने आप लोगों को पैदा किया कि आप लोग उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन इस जैसे मौलानाओं की वजह से आप लोग गुमराह होकर बलि चढ़ जाते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जिस जगह पैदा हुए हैं वो मुल्क कौन सा है? हिंदुस्तान। तो फिर हिंदुस्तान आपका मुल्क है, वो पाकिस्तान कैसे हो गया? इस जैसे चंद मौलानाओं की वजह से। अरे कुराने पाक में लिखा है कि वतन के साथ गद्दारी करने वालों को जन्नत नहीं जहन्नुम मिलती है। तो जाना चाहते हैं आप लोग जहन्नुम में? तो आज से छोड़ दीजिए हथियार हमेशा के लिए। मुझे आप लोगों से कोई गिले शिकवे नहीं है, ना आप लोग बुरे हैं। आप जैसे अच्छे लोगों को बुरा बनाते हैं इन जैसे कुछ मौलाना। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। मजहब के नाम पे जो इंसानों को बांटे वो इंसान बुरा है। फांसी का फंदा झूल गए, राजगुरु सुखदेव वो बिस्मिल माँ का कर्ज उतार दिए, वक्त पड़ा तो आजाद सिंह कनपटी में गोली मार दिए। मंगल पांडे कलकत्ता में भिड़ गए ब्रिटिश की सत्ता में, बन के दरिंदे आएंगे तो जिंदा उन्हें जला देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। फादर, ग्रेवयार्ड में आपसे कोई मिलना चाहता है इस वक्त? हाँ, यस फादर। ओके। हु आर यू माय सन? कौन हो तुम? अपराधी। क्या चाहते हो? कन्फेस करना चाहता हूं फादर। ये कन्फेस करने की जगह नहीं है। अगर तुम्हें कुछ कन्फेस करना है तो चर्च में कन्फेशन बॉक्स में आ जाओ। पर मुझ जैसे नीच इंसान को चर्च के अंदर नहीं जाना चाहिए फादर। ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो। मैं इस मुल्क को तबाह करना चाहता हूं, बर्बाद करना चाहता हूं, खाक में मिला देना चाहता हूं इस मुल्क को, हजारों लाखों बेगुनाहों का कत्लेआम करना चाहता हूं। नो नो माय सन, मेरे बच्चे, ये गलत है।
हमारा धर्म देश से गद्दारी या बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत नहीं देता, और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो माफी के योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति मौत की सजा का हकदार है। इस कंट्री को फिर से गुलाम बनाऊंगा, इसी कंट्री में रहकर दीमक की तरह खोखला कर दूंगा, आपस में लड़वाऊंगा, गली गली गृह युद्ध करवाऊंगा। वतन के साथ गद्दारी और बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत तुम्हारा गॉड नहीं देता है। ऐसा करने वाला सजा का हकदार होता है, उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। यही कहा था ना तूने? गुनाह तूने खुद कबूल किया है, तेरी सजा मैं मुकर्रर करूंगा। देश लूटने की खातिर जो बन के आज दरिंदे हैं, उनके खातिर भक्त और आजाद भी आज भी जिंदे हैं। मिट्टी के कण कण में है बजरंग बली हनुमान, यहाँ जंग छिड़ेगा बन जाएगा आंधी और तूफान। यहाँ हम ऐसे वतन दीवाने हैं, आजादी के परवाने हैं, आजाद वतन में आजादी का फिर से फूल खिला देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। What is the progress? Sir, we are trying. What trying? मुझे पूरा यकीन है इन तीनों हत्याओं के पीछे परशुराम का हाथ है। ढूंढो उसे, पता लगाओ, धरती फाड़ो, आसमान चीरो, या पाताल में सुरंग बनाओ, गिरफ्तार करो उसे। मुझे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। मैं उसे कानून के कदमों में देखना चाहता हूं, जिंदा या मुर्दा। जनाब, आप यहाँ अचानक से? तुम्हें अच्छी तरह पता है डीएसपी कि हम जो भी करते हैं अचानक बिना बताए ही करते हैं, और फिर तुम्हारे मुल्क के दीवारों में गद्दारों ने इतने छेद कर रखे हैं कि कहीं भी आना जाना मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप यहाँ क्यों आए? तुम्हारे नाकामी, तुम्हारे लाचारी का तमाशा देखने, तुम्हारे नाक के नीचे तुम्हारे छाती पर पैर रख के हमारे तीन तीन काबिल साथियों को मार चुका है वो, और तुम यहाँ बिल में बैठे बैठे गीदड़ भपकियां दे रहे हो। गीदड़ भपकियां नहीं जनाब, उसकी मौत का फरमान जारी कर दिया हूँ, उसके पीछे यमदूत लगा दिया हूँ। लेकिन आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था। अरे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये तुम मुझे मत सिखाओ डीएसपी। मेरा वीडियो उसके पास है, अगर तुम्हारे गवर्नमेंट के हाथ लग गया ना तो हमारा मुल्क बदनाम हो जाएगा, और हम ये कभी होने नहीं देंगे। जनाब इसीलिए उसके पीछे पूरी पुलिस फोर्स लगा दिया हूँ, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा,
यह तो मारा जाएगा। ठीक है डीएसपी, तुम अपना काम अपने तरीके से करो और हम अपना काम अपने तरीके से करेंगे। और हाँ, हम तुमसे बस ये कहने आए थे कि अपने पुलिस फोर्स से कह देना कि हमारे आदमियों को ना रोकेंगे और ना ही टोकेंगे। ठीक है जनाब, बोल दूंगा। गौरी को बात कही? हाँ बोली। तू ही जगह छोड़ के चल जा। कहां से कि हमरे जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं है। कानून के हथकड़ी कभी भी हमरा हाथ में लग सकेला या दुश्मन के गोली हमरा सीना के छेद सकेला। तब बेहतर बाटे कि तू यहां से चल जा। परशुराम, अभी जंग से तोहार ना हमरो बा। हम अपन माई बाप के खोले बानी। अभी जंग में चाहे हार होखे चाहे जीत, चाहे मौत मिली चाहे जिंदगी, हमरा के सब कुछ मंजूर बा। लेकिन हम तोरा के छोड़ के कबो ना जाई। गौरी समझे के कोशिश करा। हम जानबूझ के तोहरा के मौत के मुंह में नहीं खी ढकेल सकत। अरे तोहरा आगे तोहर पूरा जीवन पड़ल बटे और हमरा सामने बटे सिर्फ गुरु जी के दिहल वचन। हमरो जिंदगी में तोरे प्यार मोहब्बत के सिवाय कुछ नहीं बचल। सब उजड़ गई, सब कुछ बर्बाद हो गई। हम फैसला कर लीले बानी, जी अब तक तोरे साथ और मर अब तक तोरे साथ है। गौरी अरे ऐसे जिंदगी के का फायदा जोना में ना तो पति के प्यार मिली ना गृहस्थ आश्रम के सुख। प्यार मोहब्बत के मतलब शादी ब्याह कल पति बनावल ना, परछाई बन के साथ निभावल भी होला। परशुराम जैसे मीरा श्याम के साथ निभावली, राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ निभावली, वैसे ही हम तोहार साथ निभाई। परशुराम पत्नी ना सही तो केहू दासी समझ के अपन साथ रहे की मौका दे दा। हम वादा करे तानी जिंदगी भर तो के अपन देवता बना के पूजा करब। जो ना इंसान के तू देवता समझत अड़ू ना, वो देवता ना अब सगुनी है। जो ना के ना तो माई बाप के साथ मिलल ना पिता समान गुरु के आशीष। हमार बदनसीबी कहीं तोहरे जीवन का अभिशाप न बन जाओ गौरी, यही से कहा तानी तू यहाँ से चल जा। ना परशुराम ना, हम ना जाइब। इस जंग में हम तोरे हिम्मत के हथियार बनके तोरे साथ रहब। नहीं खुद जल जाता तब मरा ही हाँ, हम ही जाता नहीं। आपने? हाँ, जावेद मीर नाम है मेरा। तेरी पूरी पुलिस फोर्स निकम्मे निकली रे। कमाल तो कर दिखाया हमारे खूनखार शेरों ने। दोनों पकड़ लिए गए? हमारे लिए उन दोनों से जरूरी वो मोबाइल था जो इस वक्त मुझे उस लौंडे के छमिया के चोली में दिखाई दे रहा है। कोई सबूत मत छोड़ना जनाब, खत्म कर दो, मिटा दो उन दोनों को। तो मुझे हुक्म मत दे डीएसपी, मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू इस छमिया के जवानी का मजा लेना चाहता है तो सीधे तरीके से काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में आ जाओ। क्या काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में?
बस अभी आए जनाब। ए, आओ जल्दी सब। गोली चलाने से पहले हमें को बात तो लोगन से पूछल चाहता नहीं। खाकी वर्दी हमन के वतन के शान है। याद कर जा कि वर्दी पहरत घरी का कसम खैले रहला जा। सरकार तो लोगन के वर्दी वतन की सुरक्षा खातिर देले, लेकिन ई गद्दारे वर्दी के सतह का कैलस न सिर्फ वर्दी के दागदार बनौलस बल्कि भारत के टुकड़ा टुकड़ा करे के कोशिश भी कैलस। अरे और तो और हमरे गुरुकुल के स्वामी धर्मानंद जी के और उनके सगरे शिष्यन के मौत के घाट उतरवा दिया। हमरे नजर में एक गद्दार के जियाला के कौनो हक नहीं थे। देश लूटने की खातिर जो बन के आज दरिंदे हैं, उनके खातिर भक्त और आजाद भी आज भी जिंदे हैं। मिट्टी के कण कण में है बजरंग बली हनुमान। यहाँ जंग छिड़ेगा बन जाएगा आंधी और तूफान। यहाँ हम ऐसे वतन दीवाने हैं, आजादी के परवाने हैं। आजाद वतन में आजादी का फिर से फूल खिला देंगे। तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे, तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई बात नहीं, हम खुद ही इसका लॉक खोल देते हैं। देखा हम कितने एक्सपर्ट लोग हैं, लॉक हो या सरहद बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। हम तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। जनाब इसका क्या करें? सर कलम कर दो इसका। दोनों बचने नहीं चाहिए। गौरी ही जाओ, तू ही जा रही हो, जब तक हम ना कहीं बाहर मत आइयो। परसुराम बहुत कुछ खो चुकल बानी, अब तो आगे नहीं के खो सकत। आप अपन ख्याल रखिए।
यही हाथ से हमरा गौरी के छोले रहले है ना। यह नापाक कदम तोर हमरे भारत के पवित्र मिट्टी पर पड़ा लाला ना। क्या मिटाएगा हमारे हिंदुस्तान को? अमर हमारी कहानी है। तू जैसे हजार आतंकवादियों पर भारी, सिर्फ एक हिंदुस्तानी है। वंदे मातरम। मातरम। मैं चाहता तो सबको मारने के बाद भाग भी जाता जज साहब, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इंस्पेक्टर शिवानी के पास जाकर मैंने स्वयं को उनके हवाले कर दिया और आज आपके सामने खड़ा हूं। फैसला आपके हाथ में है। कानून के दोनों पलड़ों में एक और न्याय है और एक और धर्म। अदालत के फैसले सिर्फ बातों और कहानियों से नहीं, बल्कि सबूतों और गवाहों के आधार पर होते हैं, और तुम्हारे पास ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह। ठीक है जज साहब, दे दीजिए मुझे सजाए मौत, लटका दीजिए मुझे फांसी पर, लेकिन उसके पहले सभी धर्म ग्रंथों पर सख्ती से पाबंदी लगा दीजिए। कलामे पाक में ईमान और इंसानियत की बात लिखी हुई है, फिर यह आतंकवाद और हैवानियत क्यों? रामायण जाति पात के भेदभाव को मिटाना सिखाता है, फिर जाति पात के नाम पर यह आपसी लड़ाई क्यों? गीता हमें एक ब्रह्म एक परमात्मा की बात सिखाती है, फिर यह मजहबी नफरत क्यों? बाइबल सदा प्रेम और शांति की बात सिखाती है, फिर समाज में अशांति और हथियार बनाने की क्रांति क्यों? जज साहब, जब इतने महान और पूजनीय ग्रंथों पर यह समाज अमल ही नहीं करता है, यह समाज उन ग्रंथों को मानता ही नहीं है, तो उन ग्रंथों पर पाबंदी लगा दीजिए, या ये मान लीजिए कि इन ग्रंथों को आधार बनाकर मैंने जो कुछ भी किया वो न्याय और धर्म संगत है। तुमने जो कुछ भी कहा वो अदालत ने सुना, पर ऐसा भी तो हो सकता है तुम धर्म और ग्रंथ का सहारा लेकर बचना चाहते हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जो तुमने चार लोगों को मारा है वो गुनहगार थे? जी साहब, अदालत को सबूत चाहिए ना, मैं लेकर आई हूं सबूत। माय लॉर्ड, ये वीडियो गौरी के ईमेल से रिकवर किया गया है।
तुम्हारा प्लान जान के बहुत खुश हुए। तुम्हारे देश के प्राइम मिनिस्टर को उसके भाषण वाले दिन पूरे आवाम के साथ उड़ाना है। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी साजिश। अदालत सबसे पहले इस लड़की को और साइबर सेल के लोगों का धन्यवाद करना चाहती है। परशुराम, यह सत्य है कि हर धर्म ग्रंथ इंसान को अच्छी बात सिखाता है और अच्छी राह पर चलने के लिए कहता है। लिहाजा ये अदालत तुम्हारा भी धन्यवाद करना चाहती है जो तुमने धर्म ग्रंथों के आधार पर हिंदुस्तान में होने वाली इतनी बड़ी तबाही से बचाया। तुमने उन लोगों को मारा है जो अपराधी थे और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए थी। चूंकि परशुराम ने कानून अपने हाथ में लेने की गुस्ताखी की है, इसलिए अदालत इनको 1 महीने की सजा सुनाती है। और अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि परशुराम शास्त्री को हथकड़ी लगाकर जेल ना ले जाया जाए, बल्कि सम्मान के साथ इन्हें ले जाया जाए। द कोर्ट इज अर्जन। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।